हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट, नीट 2020 फाइनली डेट डिक्लेयर हो गई है। हम इस वीडियो में 15% ऑल इंडिया कोटा, जिपमर, एम्स, एमबीबीएस, बीडीएस, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन डेट, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डेट और व्हेन रिपोर्ट टू कॉलेज, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, आप जानते ही हो एमबीबीएस के 3 राउंड्स रहेंगे, राउंड 1, राउंड 2 और थर्ड इज अ मॉप अप राउंड। सो स्टूडेंट, अभी हम फर्स्ट राउंड की काउंसिलिंग डेट देखेंगे। फर्स्ट राउंड की काउंसिलिंग डेट स्टार्ट होगी 27 अक्टूबर टू 2 नवम्बर। और स्टूडेंट, आपको 2 नवंबर के पहले ही पेमेंट सबमिट कर देना है। और चॉइस फिलिंग डेट रहेगी 28 अक्टूबर टू 2 नवंबर। फिर आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगी, सीट अलॉटमेंट आपको 3 नवंबर टू 4 नवंबर के बीच में करना है। और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे आ जाएगा, 5 नवंबर। और स्टूडेंट, और फिर जो भी बच्चों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, उनको अपने कॉलेज जाना है। सो आपको 6 नवंबर टू 12 नवंबर तक आपको कॉलेज जाना है। सो स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे सेकंड राउंड, जिसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एमबीबीएस में नहीं नंबर आता है तो वो वेट करे सेकंड राउंड का। तो फिर आपको उसके लिए, और सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी 18 नवंबर टू 22 नवंबर। और स्टूडेंट, आपको पेमेंट 22 नवंबर के पहले ही पेमेंट भी सबमिट कर देना है। और चॉइस फिलिंग 19 नवंबर टू 22 नवंबर के पहले ही आपको चॉइस फिलिंग भी कर देना है। सो स्टूडेंट, फिर रहेगा आपका सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट रहेगा आपका 23 नवंबर टू 24 नवंबर के पहले आपको सीट अलॉटमेंट कर देना है, आपका सीट अलॉट हो जाएगा। फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट नेक्स्ट डे रहेगा 25 नवंबर को। फिर सीट अलॉटमेंट होने के बाद स्टूडेंट, आपको जो स्टूडेंट का सेकंड राउंड काउंसिलिंग में एमबीबीएस के लिए नंबर लग जाता है उनको कॉलेज में जाना है 26 नवंबर टू 2 दिसंबर। सो स्टूडेंट, ये रहा सेकंड राउंड। सो अभी हम देखते हैं मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड काउंसिलिंग की डेट रहेगी स्टूडेंट 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। और आपको पेमेंट भी 14 दिसंबर के पहले ही सबमिट कर देना है। और चॉइस फिलिंग डेट रहेगी 11 दिसंबर से 14 दिसंबर। और आपको सीट अलॉटमेंट की डेट रहेगी 15 दिसंबर से 16 दिसंबर। और फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट रहेगा नेक्स्ट डे 17 दिसंबर को। और फिर जो भी स्टूडेंट मॉप अप राउंड में सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस के लिए उनको कॉलेज में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जाना है। सो स्टूडेंट, ये पूरे 3 राउंड्स थे, इसकी डेट सब हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।